शुरू में हमें लगता था कि हम बेहद ही खास हैं और हमारी पृथ्वी ही एक विशाल ब्रह्मांड का केंद्र है और बाकी सभी ग्रह, सूर्य और तारे इसका चक्कर लगाते हैं। पर समय के साथ हमें पता चला कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम किसी रेत के दाने जितने भी नहीं हैं। हमारे सूर्य की तरह इस विशाल ब्रह्मांड में अरबों खरबों तारे मौजूद हैं, जिनका चक्कर पृथ्वी जैसे ही ढेर सारे प्लैनेट्स लगा रहे हैं, जहां हमारे पृथ्वी की तरह ही किसी प्रकार का जीवन भी मौजूद हो सकता है। जिसके बाद से ही हमें यह सवाल खाने लगा है कि क्या इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले हैं, और क्या हमारे पृथ्वी से परे इस विशाल ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन मौजूद है या नहीं, और अगर किसी प्लैनेट पर लाइफ मौजूद है तो यह पृथ्वी से किस तरह अलग हो सकता है, और क्या किसी ग्रह पर हमारे पृथ्वी की तरह ही एक इंटेलिजेंट लाइफ भी मौजूद है या नहीं, और अगर किसी ग्रह पर हम इंसानों की तरह ही एक इंटेलिजेंट स्पीसीज मौजूद हैं तो हम अभी तक उन्हें क्यों ढूंढ नहीं पाए हैं। दोस्तों, ये सब ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब वैज्ञानिक दिन रात ढूंढ रहे हैं, पर अभी तक उन्हें कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। पर हम अपनी कल्पनाओं के जरिए इन सवालों के जवाब जरूर ढूंढ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस विशाल ब्रह्मांड के एक रोमांचक सफर में, जहां हम अपने इस विशाल ब्रह्मांड का अंतहीन सफर तय करेंगे और एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी, और चलिए शुरू करते हैं। हमें अपने सफर की शुरुआत हमारे अपने ग्रह पृथ्वी से करनी होगी और यह जानना होगा कि आखिर हमारे ग्रह पर जीवन किस तरह पनपा और किन वजहों से यहाँ जीवन संभव हो सका। जब हम अपने ग्रह पृथ्वी की ओर नजर दौड़ाते हैं तो यह जीवन से भरपूर नजर आता है, जहाँ जीवों और पेड़ पौधों की कई लाखों तरह की प्रजातियां मौजूद हैं, और साथ ही यहाँ एक इंटेलिजेंट लाइफ भी मौजूद है जो कि अभी इस वीडियो को देख रहा है। पर आखिर किसी ग्रह पर जीवन के लिए क्या जरूरी है जो कि हमारे पृथ्वी में मौजूद था जब यहाँ जीवन की उत्पत्ति हुई। जीवन की उत्पत्ति के लिए एक कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री की जरूरत होती है। जिस तरह हम अपने खाने में कई तरह के मसाले एक सही मात्रा में डालकर एक स्वादिष्ट खाना बनाते हैं, उसी तरह हमारे जीवन के लिए सही तरह के केमिकल्स के एक सही प्रोपोर्शन की जरूरत होती है। सीधी भाषा में कहा जाए तो हम अलग अलग तरह के केमिकल्स से बने हुए हैं, यानी हम केमिकल्स के विशाल पैकेज हैं। पर इस केमिस्ट्री के लिए एक आइडियल कंडीशन की ज़रूरत होती है, जिसमें मुख्य रूप से तीन बेसिक इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें पहला इंग्रेडिएंट है एनर्जी, जैसे कि सनलाइट और जियोथर्मल एनर्जी। किसी भी ग्रह पर जीवन के पनपने के लिए एक सही अमाउंट के एनर्जी की ज़रूरत होती है। यह ग्रह न तो अपने तारे से ज़्यादा दूर होना चाहिए और न ही अपने तारे के ज़्यादा पास, यानी एक सही मात्रा में एनर्जी किसी भी ग्रह पर जीवन को पनपने का मौका दे सकती है। जीवन के लिए दूसरा ज़रूरी इंग्रेडिएंट है हैवी एलिमेंट्स, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन और सल्फर। किसी भी ग्रह पर जीवन को संभव बनाने के लिए आपको कुछ ज़रूरी केमिकल एलिमेंट्स की ज़रूरत होगी। अगर ये केमिकल एलिमेंट्स सही तरीके से एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं तो ये लाइफ के लिए ज़रूरी मॉलिक्यूल्स की उत्पत्ति कर सकते हैं। और तीसरा ज़रूरी इंग्रेडिएंट है लिक्विड वाटर। गैस स्टेट में एटम्स एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर मौजूद होते हैं और बेहद ही तेज़ गति से मूव करते हैं, जिस वजह से ये एक दूसरे से सही तरीके से इंटरैक्ट नहीं कर पाते। वहीं सॉलिड स्टेट में एटम्स फिक्स होते हैं और मूव नहीं करते, जिस वजह से ये किसी तरह के मॉलिक्यूल्स को नहीं बना सकते। पर लिक्विड स्टेट में एटम्स एक दूसरे से ठीक ठाक दूरी पर मौजूद होते हैं, जिस वजह से ये न सिर्फ दूसरे एटम्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, पर साथ ही साथ ये एक दूसरे से जुड़कर बेसिक मॉलिक्यूल्स का निर्माण भी करते हैं। लिक्विड वाटर जीवन के पनपने के लिए सबसे आइडियल जगह माना जाता है, जहां एटम्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर बेसिक मॉलिक्यूल्स का निर्माण कर सकते हैं, और फिर ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर जीवन के लिए ज़रूरी कॉम्प्लेक्स चेन का निर्माण कर सकते हैं। यानी जीवन के पनपने के लिए लिक्विड वाटर बेहद ही ज़रूरी है। हम इस विशाल ब्रह्मांड में लिक्विड वाटर ऐसे ग्रहों पर पा सकते हैं जो कि अपने तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। यहाँ न ज़्यादा गर्मी होती है और न ज़्यादा ठंडी, जिस वजह से लिक्विड वाटर अपने लिक्विड स्टेट में लंबे समय तक बना रहता है।
आज से 4 बिलियन सालों पहले हमारी पृथ्वी जीवन के पनपने के लिए सबसे परफेक्ट जगहों में से एक थी। लिक्विड वाटर अपने लिक्विड फॉर्म में लंबे समय के लिए मौजूद था। इस समय हमारे पृथ्वी पर लिक्विड वाटर के विशाल ओशियंस मौजूद थे और इन विशाल महासागरों के गहराई में कई क्रैक्स मौजूद थे जहां से हैवी एलिमेंट्स और एनर्जी हमारे पृथ्वी की कोर से इन महासागरों के तह तक आ रहा था। यहां इन बेसिक एलिमेंट्स ने मिलकर जीवन के लिए ज़रूरी सेल्स का निर्माण किया और हमारे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। धीरे धीरे इस बेसिक केमिस्ट्री ने इवोल्यूशन का रूप लिया जिसने कई बिलियन सालों के दौरान अपने आप को इवॉल्व किया और आज का रूप लिया। असल में पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई यह अभी भी एक रहस्य है, पर वैज्ञानिकों के अनुसार किसी भी जगह पर जीवन की उत्पत्ति के लिए इन्हीं 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, जो है एनर्जी, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और लिक्विड वाटर। पर हम जितना ज़्यादा जीवन के उत्पत्ति के बारे में खोज कर रहे हैं यह हमें उतना ही ज़्यादा आश्चर्यचकित कर रहा है। खोज के दौरान वैज्ञानिकों को धरती पर माइक्रोबियल लाइफ के सबूत खतरनाक वोल्केनोज, गर्म डेजर्ट, ठंडे माउंटेन्स, गहरे समुद्रों में और एम्प्टी स्पेस में भी मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि लाइफ एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशंस पर भी संभव है, यानी ऐसे जगहों पर भी जीवन पनप सकता है जो कि हमें पहली बार में जीवन के पनपने के लिए कोई खास जगह न लगे। अभी तक किए गए अध्ययनों से वैज्ञानिकों को पता चला है कि हमारे धरती पर जीवन की उत्पत्ति आज से करीब 4 बिलियन सालों पहले हुई थी, जब यह एक बेहद ही खतरनाक एलियन प्लैनेट की तरह था। करीब 100 मिलियन सालों तक हमारी धरती पर विशालकाय वोल्केनोस और एस्ट्रॉइड स्टॉर्म्स का तांडव रहा। अगर आप इस समय मौजूद होते तो आप हमारे ग्रह को पहचान नहीं पाते, क्योंकि यह विशालकाय वोल्केनोस और लावा के महासागरों से भरा हुआ था। पर इस खतरनाक वातावरण में भी जीवन ने इस ग्रह पर धीरे धीरे अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी। जैसे जैसे हमारी धरती थोड़ी ठंडी हुई, वैसे ही विशाल महासागरों की गहराई में जीवन की शुरुआत होने लगी। जिस तरह इस खतरनाक वातावरण में भी हमारी धरती पर जीवन पनपा, उससे वैज्ञानिकों को उम्मीद जगी है कि इस विशाल ब्रह्मांड में जीवन काफी आम हो सकता है, जो कि खतरनाक से खतरनाक माहौल में भी संभव है। धरती पर जीवन की उत्पत्ति के करीब 4 बिलियन सालों बाद केवल कुछ दशकों पहले ही इंसानों ने पहली बार इस विशाल ब्रह्मांड में धरती से परे जीवन की खोज शुरू की है, यानी इस विशाल यूनिवर्स में जीवन की खोज अभी बस शुरू ही हुई है। अध्ययनों से पता चला है कि जीवन की उत्पत्ति के लिए लिक्विड वाटर काफ़ी ज़रूरी है, अर्थात जहाँ लिक्विड वाटर मौजूद है वहाँ किसी न किसी प्रकार का जीवन मौजूद होने की सबसे ज़्यादा संभावनाएँ हैं। ऐसे में पृथ्वी से परे जीवन खोजने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम पृथ्वी से परे ऐसे ग्रहों की खोज करें जहां लिक्विड वाटर मौजूद है। हमने केवल कुछ सालों पहले ही ऐसे ग्रहों की खोज शुरू की है जहां लिक्विड वाटर मौजूद हो सकता है, पर कुछ समय की खोज के दौरान ही हमें ऐसे कई ग्रह मिले हैं जो कि अपने तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद हैं और जहां लिक्विड वाटर लंबे समय तक अपने लिक्विड स्टेट में बना रह सकता है। इनमें से कुछ ग्रह हैं केपलर 62F, ट्रैपिस्ट 1D, टी गार्डन बी और K2-18b। अध्ययनों से पता चला है कि जीवन के लिए जरूरी बेसिक इंग्रेडिएंट्स जैसे कि लिक्विड वाटर और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमारे इस विशाल गैलेक्सी में बड़ी मात्रा में मौजूद हैं। ऐसे में काफ़ी संभावना है कि इन ग्रहों पर किसी न किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्स लाइफ मौजूद हो सकता है। केवल हमारे आकाशगंगा में मौजूद सभी तारों में से करीब 1/4 तारों के ऑर्बिट में ऐसे रॉकी प्लैनेट्स मौजूद हैं जो कि एक हैबिटेबल जोन में अपने तारे का चक्कर लगा रहे हैं, यानी केवल हमारे आकाशगंगा मिल्की वे में धरती की तरह करीब 50 बिलियन ग्रह मौजूद हो सकते हैं। पर अगर हम अपने इस विशाल और अंतहीन ब्रह्मांड की बात करें तो यह आंकड़ा बहुत ज़्यादा है, जिसे गिनने में ही आपको कई बिलियन सालों का समय लग जाएगा। इनमें से हर ग्रह बेहद ही खास होगा, जहां जीवन की एक अलग कहानी मौजूद होगी। यहां जीवन एक अलग ही रूप में पनपा होगा और इवॉल्व हुआ होगा। इन ग्रहों पर जीवन हमसे काफ़ी अलग भी हो सकता है, जो कि अलग एलिमेंट से बने हुए होंगे और जीने के लिए हमसे काफ़ी अलग संसाधनों पर निर्भर करते होंगे। पर यह ज़रूरी नहीं है कि हैबिटेबल जोन में मौजूद हर ग्रह हैबिटेबल ही हो और वहाँ किसी प्रकार का जीवन मौजूद हो।
कई सालों तक किए गए खोजों ने हमें बताया है कि कई ऐसे ग्रह मौजूद हो सकते हैं जो कि अपने तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद हैं, पर कुछ कारणवश काफी ठंडे या गर्म हैं, या यहाँ जहरीली गैसों का वास है। हो सकता है कि इनमें से कुछ ग्रहों पर एटमॉस्फेयर जीवन के लिए उपयुक्त न हो, या इनके तारे बेहद ही खतरनाक रेडिएशन छोड़ते हों। उदाहरण के लिए, पहले वैज्ञानिकों का मानना था कि हमारा पड़ोसी वीनस ग्रह जीवन के लिए काफी उपयुक्त है, जहां लिक्विड वाटर और शायद किसी प्रकार का जीवन भी मौजूद हो सकता है। पर जब इसका करीबी से अध्ययन किया गया, तब पता चला कि इस ग्रह का एटमॉस्फेयर काफी खतरनाक है, जो कि कई तरह के टॉक्सिक गैसों से भरा हुआ है, और यहाँ जीवन के पनपने के लिए कोई संभावना नहीं है। पर ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जीवन केवल हैबिटेबल जोन में मौजूद ग्रहों पर ही पनप सकता है। तारों के हैबिटेबल जोन और उनके गर्मी से परे मौजूद विशाल ग्रहों का चक्कर लगा रहे मून्स भी जीवन के पनपने के लिए काफी उपयुक्त हो सकते हैं। इन्हें जीवन के लिए जरूरी एनर्जी न सिर्फ अपने तारे की रोशनी से मिलती है, बल्कि इनके विशाल ग्रहों की ग्रेविटी भी इन्हें काफी ऊर्जा मुहैया कराती है। उदाहरण के लिए, जुपिटर ग्रह का चक्कर लगा रहे आईओ मून पर कई विशाल वोल्केनोज मौजूद हैं, जिसका कारण है जुपिटर का बेहद ही शक्तिशाली ग्रेविटेशनल टाइडल फोर्स। जुपिटर ग्रह के मून यूरोपा और सैटर्न ग्रह के मून इंसेलेडस पर जीवन के लिए जरूरी सभी तीन इंग्रेडिएंट्स विशाल मोटे बर्फ के परत के नीचे मौजूद सब सरफेस लिक्विड वाटर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और एनर्जी मौजूद हैं। ऐसे में काफी संभावना है कि इन मून्स के विशाल सब सरफेस लिक्विड ओशियंस में किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्स लाइफ भी मौजूद हो सकता है। और वहीं सैटर्न ग्रह के मून टाइटन पर वैज्ञानिकों को लिक्विड हाइड्रोकार्बन के ओशियंस और एक सबस्टैंशियल एटमॉस्फेयर भी मिला है। केवल हमारे सौरमंडल में दर्जन भर एक्सोमून्स मौजूद हैं, जहां किसी प्रकार का जीवन मौजूद हो सकता है। यानी आप अभी तक समझ ही चुके होंगे कि कैसे किसी ग्रह के मून पर जीवन मौजूद हो सकता है। अकेले हमारे आकाशगंगा मिल्की वे में इस तरह के 100 ट्रिलियन एक्सोमून्स मौजूद हो सकते हैं, जो कि हमारे आकाशगंगा में मौजूद टोटल प्लैनेट्स की संख्या से भी करीब 100 गुना ज्यादा है। इनमें से कुछ एक्सोमून्स हमारे धरती जितने भी विशाल हो सकते हैं, जहां हमारे धरती की तरह ही एटमॉस्फेयर और सरफेस वाटर मौजूद हो। यानी हमारे ब्रह्मांड में ऐसी कई जगहें मौजूद हो सकती हैं जहां जीवन है और फल फूल रहा है। यानी केवल कुछ समय की बात है जब हम हमारे पृथ्वी से परे किसी ग्रह या उसके मून पर जीवन की खोज कर लें। अगर हम हमारे पृथ्वी से परे कहीं दूसरे जगह पर बैक्टीरिया की खोज भी कर लें, तो यह हमारे लिए काफी बड़ी खोज होगी, जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि इस विशाल अंतहीन ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं, बल्कि जीवन हर कहीं अलग अलग रूप में पनप रहा है। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि हम हमारे पृथ्वी से परे मौजूद जीवन को ढूंढने के बेहद ही करीब पहुंच चुके हैं, और केवल कुछ सालों के भीतर ही हम हमारे सौरमंडल के दूसरे ग्रहों या उनके मून्स में मौजूद जीवन की खोज कर सकते हैं। साथ ही हम दूसरे तारों का चक्कर लगा रहे ऐसे प्लैनेट्स की भी खोज कर सकते हैं जहाँ किसी प्रकार का जीवन मौजूद हो सकता है। यह खोज मानव जाति के लिए सबसे अहम पलों में से एक होगा, जब हम यह खोजेंगे कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। पर असली कहानी तब शुरू होगी जब हम हमारे पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की खोज कर लें। ऐसे में एक नया सवाल यह खड़ा होगा कि अगर हमारे ब्रह्मांड में जीवन एक आम बात है जो हर कहीं मौजूद है, तो हम हमारे ब्रह्मांड में मौजूद जीवन की कहानी के किस छोर में मौजूद हैं? क्या हमारे पृथ्वी पर जीवन के पनपने से पहले भी कहीं और जीवन मौजूद था, या हम हमारे ब्रह्मांड में जीवन की कहानी के पहले पात्र हैं, और इस विशाल ब्रह्मांड में सबसे पहले हमारे पृथ्वी पर ही जीवन की शुरुआत हुई है? यह सब ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जानने के लिए हमें हमारे ब्रह्मांड का सफर एक नए सिरे से शुरू करना होगा। यह एक बेहद ही रोमांचक सफर होने वाला है, पर यह सफर हम इस वीडियो के अगले भाग में करेंगे, जहां हम ऐसे ग्रहों की यात्रा करेंगे जहां जीवन मौजूद हो सकता है। साथ ही हम इस विशाल ब्रह्मांड और जीवन के बारे में और भी अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। हमारा विशाल ब्रह्मांड करीब 14 बिलियन सालों पुराना है, और हमारी आकाशगंगा मिल्की वे का निर्माण आज से करीब 12 बिलियन सालों पहले हुआ था। वहीं हमारे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति आज से करीब 4 बिलियन सालों पहले ही हुई थी, और केवल कुछ लाख सालों पहले ही यहाँ एक इंटेलिजेंट स्पीसीज होमो सेपियंस इवॉल्व हुई। यानी हम इस विशाल यूनिवर्स के कॉस्मिक स्केल के एक बेहद ही छोटे से हिस्से में मौजूद हैं।
ऐसे में काफी संभावना है कि इस ब्रह्मांड के जीवन की उत्पत्ति हमसे काफी पहले ही हो चुकी हो। ऐसे में यह जीवन हमसे टेक्निकली काफी एडवांस हो सकते हैं। पर यहाँ एक सवाल यह है कि क्या हमारे यूनिवर्स के इस कॉस्मिक स्टेज में हमारे पृथ्वी पर जीवन काफी देर से आया, और क्या हमसे भी पहले इस ब्रह्मांड में कई स्पीसीज और लाइफ फॉर्म्स ने जन्म ले चुका है, और अगर ऐसा है तो आखिर ये हमसे कितने पुराने हो सकते हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत को देखना होगा। हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से करीब 13.8 बिलियन सालों पहले एक महाविस्फोट से हुई थी, जिसे हम बिग बैंग के नाम से भी जानते हैं। इस महाविस्फोट के कुछ मिलियन सालों तक हमारा यह ब्रह्मांड काफी गर्म था, जो कि किसी भी प्रकार के जीवन के पनपने के लिए उपयुक्त नहीं था। जब यह जीवन के पनपने लायक ठंडा हुआ, तब किसी भी प्लैनेट और स्टार का अस्तित्व नहीं था। उस समय हमारा ब्रह्मांड केवल हाइड्रोजन के विशाल बादलों से भरा हुआ था। बिग बैंग के कुछ 70 मिलियन सालों बाद ग्रेविटी ने इन बादलों को अपने हिसाब से चलाना शुरू किया, और कई सालों तक चले प्रोसेस के बाद इन हाइड्रोजन के बादलों से जन्म हुआ फर्स्ट जेनरेशन स्टार्स का। ये फर्स्ट जेनरेशन स्टार्स बेहद ही विशाल, शक्तिशाली और चमकीले थे, जो कि लगभग पूरी तरह हाइड्रोजन से बने हुए थे। पर लाइफ के लिए जरूरी हैवी एलिमेंट्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अभी भी अस्तित्व में नहीं आए थे, क्योंकि बिग बैंग भी इतना गर्म नहीं था कि इनसे हैवी एलिमेंट्स का निर्माण हो सके। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बिग बैंग के बाद केवल हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम जैसे एलिमेंट्स ही अस्तित्व में आए थे, और जीवन के लिए जरूरी सभी एलिमेंट्स और बाकी सभी हैवी एलिमेंट्स जो हम आज अपने आसपास देख रहे हैं, उनका निर्माण इन फर्स्ट जनरेशन स्टार्स के बेहद ही गर्म कोर में हुआ था। और केवल एक ही तरीके से ये हैवी एलिमेंट्स इन तारों के कोर से बाहर आ सकते थे, और वो भी तब जब इन तारों का अंत एक महाविस्फोट से हो, जिसे हम सुपरनोवा के नाम से भी जानते हैं। इन तारों में हुए भयानक विस्फोट यानी सुपरनोवा से विशाल गैस और डस्ट के बादलों का निर्माण हुआ, जिसने जीवन के लिए जरूरी सभी एलिमेंट्स को इस विशाल ब्रह्मांड में सभी तरफ फैला दिया। इन विशाल गैस और डस्ट के बादलों से हमारे सूर्य जैसे सेकेंड जनरेशन स्टार्स का जन्म हुआ। पर इस बार ये तारे अकेले नहीं थे, बल्कि इन तारों के चारों ओर रॉकी प्लैनेट्स इनका चक्कर लगा रहे थे। यानी बिग बैंग से केवल 0.1 बिलियन साल बाद ही, और आज से लगभग 13.7 बिलियन सालों पहले, हमारे ब्रह्मांड में जीवन के लिए जरूरी सभी एलिमेंट्स अस्तित्व में आ चुके थे। जब बिग बैंग के बाद निकला हुआ हीट धीरे धीरे खत्म होने लगा, तब हमारे ब्रह्मांड में गोल्डी लॉक एरा की शुरुआत हुई। ये वो समय था जब एम्प्टी स्पेस का तापमान आज की तरह -270 डिग्री सेल्सियस ना होकर हमारे घर के रूम टेम्परेचर जितना 23 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था। कई सैकड़ों मिलियन सालों तक हमारे ब्रह्मांड का एवरेज तापमान इतना ही बना हुआ था। ये वो वक्त था जब हमारे विशाल ब्रह्मांड में हर जगह पर जीवन पनप सकता था, यहाँ तक कि ऐसे रोग प्लैनेट्स पर भी जो अपने तारे को छोड़कर अकेले ही इस विशाल अंतहीन स्पेस में भटक रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सही समय हो सकता है जब हमारे यूनिवर्स में पहले लाइफ की उत्पत्ति हुई हो, यानी एक ऐसा ग्रह जहां जीवन लगभग हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के जितना ही पुराना है। ऐसे में ये हमसे काफी ज्यादा एडवांस हो सकते हैं, जो कि एक पूरे के पूरे गैलेक्सी को कंट्रोल करने की ताकत रखते हों। पर कई दशकों तक चले खोज के बाद भी हमें ऐसे किसी भी एलियन लाइफ के कोई सबूत नहीं मिले हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ये सब कहां है और हम अब तक इन्हें ढूंढ क्यों नहीं पाए हैं। ऐसे में यह भी हो सकता है कि हमारे ब्रह्मांड में भले ही लाइफ बेहद ही कॉमन हो, पर हम इंसानों की तरह इंटेलिजेंट लाइफ बहुत ही रेयर। साथ ही हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है कि किसी एडवांस सभ्यता को दूसरी सभ्यता से संपर्क करने के लिए अरबों सालों का समय लग सकता है। आखिर में ये भी हो सकता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले हों और इस यूनिवर्स में जीवन की शुरुआत हमारी पृथ्वी से ही हुई है। ऐसे में हमारे पास एक विशाल ब्रह्मांड में जीवन को फैलाने के लिए कई बिलियन सालों का समय है। तब तक हम हमारे सौरमंडल, दूसरे सौरमंडलों और आकाश गंगाओं में मौजूद दूसरे ग्रहों तक जीवन पहुंचा सके। अभी हमारे ब्रह्मांड की उम्र मात्र 13.8 बिलियन साल ही है, और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले करीब 1,00,000 बिलियन सालों तक हमारा ब्रह्मांड ऐसा ही बना रहेगा, जिसके बाद हमारे ब्रह्मांड की सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी और आखिरी तारे का अंत हो जाएगा।
वैज्ञानिकों के अनुसार रेड ड्वार्फ स्टार्स इस विशाल ब्रह्मांड में किसी प्रकार के जीवन को खोजने के लिए सबसे उपयुक्त जगहों में से एक है। रेड ड्वार्फ स्टार करीब 1000 बिलियन सालों तक जिंदा रह सकते हैं, जिस दौरान ये अपने ऑर्बिट में मौजूद प्लैनेट्स को ऐसे ही बिलियन सालों तक सनलाइट देते रहते हैं। इन रेड ड्वार्फ स्टार्स के ऑर्बिट में मौजूद प्लैनेट्स में किसी प्रकार के जीवन के पनपने की सबसे ज्यादा संभावनाएं मौजूद हैं, क्योंकि जीवन को पनपने के लिए एक स्टेबल कंडीशंस की जरूरत होती है और इन रेड ड्वार्फ स्टार्स के आसपास जीवन के लिए जरूरी स्टेबल कंडीशंस कई सैकड़ों बिलियन सालों तक बने रह सकते हैं। पर इन रेड ड्वार्फ स्टार्स के साथ कई खामियां भी मौजूद हैं। ये तारे बेहद ही बड़ी मात्रा में खतरनाक सोलर फ्लेयर्स छोड़ते हैं, जो कि इनके ऑर्बिट में मौजूद प्लैनेट्स में रह रही सभ्यता को एक पल में ही खत्म करने की ताकत रखते हैं। साथ ही इन तारों की एनर्जी हमारे सूरज जैसे तारों से काफ़ी कम होती है। ऐसे में किसी प्लैनेट को इनके हैबिटेबल जोन में रहने के लिए इनके काफ़ी पास मौजूद रहना होगा। पर इतने पास मौजूद होने के कारण ये प्लैनेट्स इनसे टाइडली लॉक्ड हो सकते हैं, अर्थात इनका एक साइड हमेशा अपने तारे की तरफ रहेगा और दूसरा साइड हमेशा अपने तारे की दूसरी ओर। यानी ऐसे प्लैनेट्स का एक साइड बेहद ही गर्म होगा तो दूसरा साइड बेहद ही ठंडा, जहां जीवन के पनपने की संभावना बेहद ही कम है। पर हमारे धरती पर जीवन के उत्पत्ति ने हमें बताया कि जीवन किसी भी परिस्थिति और माहौल में पनपने और अपने आप को इवॉल्व करने में सक्षम है। ऐसे में हो सकता है कि इन रेड ड्वार्फ स्टार्स के ऑर्बिट में मौजूद करोड़ों प्लैनेट्स में से किसी प्लैनेट पर एक हाईली एडवांस सभ्यता का वास हो, जो कि कई बिलियन सालों से यहाँ मौजूद है। पर अभी तो ये हमारे ब्रह्मांड की बस शुरुआत ही है, और हमारा ब्रह्मांड बिग बैंग के बाद से ही बेहद ही तेज गति से फैल रहा है और हमसे काफ़ी दूर मौजूद तारे हमसे और भी दूर जा रहे हैं। ऐसे में एक समय ऐसा आएगा जब हमारा आकाश, जो कि अभी तारों से भरा हुआ नजर आता है, वह हमेशा के लिए काला हो जाएगा। ऐसे में हमसे कई बिलियन सालों बाद जन्म लेने वाली सभ्यताएं आश्चर्यचकित होंगी कि आखिर हमारे ब्रह्मांड के उत्पत्ति के शुरुआती दिनों में रहना कैसा रहा होगा। जब सारा आकाश अनगिनत तारों से भरा हुआ होता था और हम हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत के बाद निकले कॉस्मिक ग्लो को देखने में सक्षम थे, वो हमारी तरह यह भी नहीं जान पाएंगे कि आखिर हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई थी, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ऐसे में हम बेहद ही खुशनसीब हैं कि हम एक ऐसे समय में पैदा हुए हैं जब हमारा सारा आकाश अनगिनत तारों से भरा हुआ नजर आता है। साथ ही हम हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत यानी बिग बैंग का अध्ययन करने में भी सक्षम हैं। ऐसे में आप भी इस समय का मजा लीजिए, रात में आकाश की ओर नजर घुमाइए और इन तारों को जी भर के देखिए। क्या पता इन तारों का चक्कर लगा रहे किसी ग्रह में मौजूद कोई और भी आपको ऐसे ही देख रहा हो। दोस्तों, हम भविष्य में इस वीडियो सीरीज के और भी वीडियोस लाने जा रहे हैं, जहां हम हमारे ब्रह्मांड के अनदेखे और अनजाने जगहों का सफर तय करेंगे और इसके कई राजों से पर्दा उठाएंगे। ऐसे में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को नहीं दबाया है तो इसे ज़रूर दबा लें, ताकि आप हमारे कोई भी वीडियोस मिस ना करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।